बचाओ 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 बचाओ। भाई साहब, मेरा नाम लल्लू है। अरे दत्तरे की, हम अपनी मुसीबतों से परेशान हैं और तू जान पहचान में लगा हुआ है। सुबह सुबह सबको आखिर हो क्या गया है? सब मिलकर मैराथन रेस में क्यों उतर गए हैं? क्या बात है भाई साहब? सिर्फ 2 मिनट खर्च करके अगर मुझे बताएंगे कि ये सब मिलकर दौड़ की भाग क्यों कर रहे हैं? जान जारी है तो भाग जाइए, भागिए। मैं अपनी जान ही तो नहीं बचा पाया भाई साहब। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, इस गांव में कोई दानव घुस आया है क्या? दानव नहीं, यमराज। यमराज सर्दी से बेहाल होकर वो छींक पे छींक मारते हुए पागल हुए पड़े हैं। क्या करें अब, कुछ कहा नहीं सुना नहीं, जो भी सामने आ रहा है उसे नरक में भेज रहे हैं। बाप रे बाप रे बाप, जाकर पूरा मामला समझना ही पड़ेगा मुझे। ये बाप रे बाप रे बाप रे बाप, स्वर्ग का द्वार, सेलिब्रिटियों का भरमार, नामी गिरामी, चाचा चाची, मामा मामी सारे प्रेजेंट हैं यहाँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए देवाधिदेव। वत्स लल्लू, वैसे ही कल से अधमरी हालत में है, अब अगर कोई संस्कृत नहीं समझेगा तो हाथ पांव बांध कर बाहर फेंक दूंगा मैं। सॉरी सर, दरअसल मैं मामले को अच्छे से समझना चाहता हूँ। कल रात से यमराज को रोकना मुश्किल हो रहा है, सर्दी तो खुद को लगी है और गुस्सा निकाल रहा है इंसानों पर। और सुबह से सारे भक्त जान बचाने के लिए हमें पुकार रहे हैं। सुबह से ऊपर नीचे जाते जाते मेरी कमर में दर्द होने लगा है। अरे एक मामूली सी केस है, इसे लेकर सबको इतना ही स्ट्रेस क्यों हो रहा है? मैं फटाक से जाकर झटाक से आकर पूरा मामला सॉल्व कर सकता हूँ। कर पाओगे बेटा लुलू? लुलू है जहाँ शांति है वहाँ सारा सॉल्व कर दूंगा, वो भी आज के आज। तो फिर तुम जो मांगोगे मैं वही दूंगा। आप देंगे? तुम मांग कर तो देखो। अब कुछ नहीं, दरअसल मुझे बहुत शर्म आ रही है, वो अप्सरा नहीं मतलब उर्वशी के साथ थोड़ा सेटिंग मतलब हो जाए तो अरेंज हो जाए तो। तुम भी ना लुलू। डोंट टेक ज्यादा प्रेशर, हल्के से जेल लगाकर चेहरे पर पाउडर रगड़ दूंगा ना तो मैं भी इंद्र जैसा दिखने लगूंगा। तो फिर बात पक्की है, हाँ? मैं गोइंग कमिंग, ओके कमिंग गोइंग, ओके। नाक नहीं, ये तो तोप है, तोप, आई मीन टॉप है, टॉप। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं आग लगा कर सब नष्ट कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। अरे अरे आप जरा शांत हो जाइए, पहले शांत हो जाइए। ए, ए, तुम्हारा नाम भी मैं डाल दूंगा मौत की लिस्ट पर। मेरी मौत तो पहले ही हो चुकी है। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, ये बिल्कुल दवाई जैसे, यानी कि पैरासिटामोल है ना? मुझे मुझे बचा ले लुल्लू, वरना तुझे तुझे भी। अच्छी अच्छी। डोंट टेक प्रेशर, मैं जाऊंगा और आऊंगा, तब तक आप नाक में जरा बर्फ घिस लीजिए। हाँ। बांधा करके तो गया हूँ मैं, पर मैं करूँ भी क्या, यहाँ तो रेनी डे है। अब अगर मैं झमक झम करके मामला समझा कर झिम झिम करके दवाई दे देता हूँ तो फिर। डॉक्टर साहब, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? ठीक होगे मतलब तुम दौड़ोगे दौड़ोगे, एक बार दवाई लेकर तो देखो, फिर चिंता की कोई बात नहीं होगी। सुनती हो, खाना बना कि नहीं? डॉक्टरी करना कौन सी
बड़ी बात है ना, दवाई पता लग गई, डोज पता लग गया। अब झटके से यमराज को खिलाकर फटाक से उन्हें ठीक करता हूँ, और यही देखकर अप्सरा दुबकी लगाएगी मेरे प्यार में। अरे वारे 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 वारे। ये सोच कर ही मेरी धड़कन बढ़ रही है, क्या करूँ। अच्छा, अगर एक दवाई में यमराज एक दिन में ठीक हो जाते हैं तो अगर 5 दवाई में दूं तो वो 5 दिन में ठीक हो जाएंगे। अरे वाह, मैं इतना ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ कि कभी कभी मुझे खुद पर गर्व महसूस होता है। बाप रे बाप रे बाप रे बाप, अगर इतनी भीड़ हो गई, डॉक्टर हाउ पेशेंट सी हैं, फटाक से डॉक्टर पेशेंट कैसे देख पाएंगे हैं। सड़ियो सड़ियो सड़ियो। अच्छा लुल्लू, इतनी सारी दवाई देना सही होगा क्या? डॉक्टर के वक्त नो डिस्टरबेंस। लुल्लू पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, देखो क्या होता है। अजय, बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। लुल्लू, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं अच्छे से जानती थी लुल्लू डॉक्टर बनकर आया है तो जरूर कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है। मैं क्या कह रहा था? तू कुछ भी नहीं बोलेगा लुल्लू। तुझे अप्सरा चाहिए ना लुल्लू? अप्सरा क्यों? तेरे नसीब में तो अब कोई चुड़ैल भी नहीं है लुल्लू। अब यमराज की हालत कैसी है चित्रगुप्त? इसने क्या दवाई दी है क्या पता, उनके पास नहीं जा सकता, इतनी गर्मी है। एक किताब लेकर वो चला गया है, जब मन करे तब किसी न किसी को नरक में भेज रहा है। तो सुनिए ना, मुझसे एक बार गलती हो गई है, इसलिए डोंट स्टॉप ट्रस्टिंग मी सर। मुझे कच्चा काम हो गया है सर, मुझे सटाक से एक और चांस दे दीजिए ना सर। मैं सटाक से जाऊंगा और फटाक से मेडिसिन देकर यमराज को बिल्कुल ठीक कर दूंगा सर। जस्ट वन चांस दीजिए ना मुझे सर। और अगर इस बार भी फेल हुआ तो? नो चांस, क्लास 5 के बाद मैंने फेल होना छोड़ दिया सर। अच्छा, मतलब 5वीं के बाद से हर बार तू पास हुआ है? 5वीं के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी सर। डॉक्टर साहब, बुखार में तप रहा है, छूने से हाथ जल रहा है, अब क्या करूं डॉक्टर साहब? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ये इंजेक्शन देता हूँ, देखेगा शरीर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। अरे बाबा रे बाबा रे बाबा बाबा, ये डॉक्टर है या मजीशियन है? हर मर्ज की दवा है इसके पास। अरे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा, कितनी गर्मी है सच में। अपनी बकवास बंद कर और जो करना है वो जल्दी से कर लुल्लू। ओके ओके, लेट मी ध्यान लगाऊं। सर, आप अपना हाथ दिखाइए। अरे सुनो, कोई मुझे रजाई तो हर कंबल चादर जो भी हो दे दो, मैं मर जाऊंगा, मैं सबको मार दूंगा। सुन लुल्लू, एक बार मैं ठीक हो जाऊं बस, तुझे लंगोट पहनाकर एवरेस्ट के शिखर पर ना भेजू तो मेरा नाम भी यम नहीं है। बचाओ बचाओ। मैं क्या कह रहा हूँ, इस लुल्लू पर भरोसा ना करके हम उस डॉक्टर को ही बुला लेते हैं। ठीक है। अरे जाओ, कोई जाकर डॉक्टर को लेकर आओ। ये क्या, यमराज की हालत इतनी बुरी कैसे हो गई? और लुल्लू तो आज से दवाई लेकर आया था। क्या मुझसे तो उसकी मुलाकात ही नहीं हुई। सर, आपने जो दवाई आपके पेशेंट को दी है ना, मैंने वही दवाई यमराज को दी है। मैंने जो दवाई दी है, मतलब मैं तो जानवरों का डॉक्टर हूँ, मेरे पास हर कोई गाय कुत्ते भेड़ बकरी के लिए दवाई लेने के लिए आते हैं, सारी हाई डोज की दवाई है वो सब, और तुमने वही दवाई यमराज को दे दी है। हाँ, वो अब तक जिंदा है, यही बहुत बड़ी बात है। क्या? मुझे
माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मैं जिंदगी में कभी डॉक्टर नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा यमराज जी, मुझे माफ कर दीजिए।